हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज। और हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, एंड द चैप्टर नंबर 9 इज नाउन पोजेशन। पोजेशन क्या होता है बच्चों? पोजेशन वो चीज़ होती है जिससे ये पता चलता है कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ उसकी है। बिलोंगिंगनेस दिखाता है पोजेशन। तो चलिए पढ़ते हैं पोजेसिव नाउन्स। पोजेसिव नाउन्स भी होते हैं, आर यूज टू शो। वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं दैट समथिंग बिलोंग्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। कि कुछ किसी एक पर्सन से, आइडिया से, प्लेस से या किसी चीज़ से बिलोंग करता है, ये दिखाता है पोजेसिव नाउन। सो एक सिंगुलर नाउन पजेसिव बनाने के लिए, जब हम किसी सिंगुलर नाउन की बात करते हैं तो हम सिर्फ ऐड करेंगे उसमें एपोस्ट्रॉफी एंड एस, ठीक है। जैसे कि द बुक ऑफ द टीचर। अब बुक किससे बिलोंग कर रही है? टीचर से। बुक किसकी है? टीचर की। हमें ये दिखाना है, पजेसिव बनाना है उस चीज़ को। सो द टीचर एपोस्ट्रॉफी मार्क एस बुक, द टीचर्स बुक। सो ये सिंपल है बहुत, कि अगर हमें किसी सिंगुलर नाउन का पजेसिव दिखाना है, पजेसिवनेस शो करनी है, बिलोंगिंगनेस शो करनी है, तो हम सिर्फ लगाएंगे एपोस्ट्रॉफी एंड एस। ओके, नाउ अब हमें अगर बनाना है रेगुलर प्लूरल नाउन पजेसिव, तो हमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाना है, उसके बाद एस हम नहीं लिखेंगे, बिकॉज ऑलरेडी प्लूरल में एस दिया हुआ है। और अगर जिन प्लूरल में एस नहीं भी दिया हुआ है तब भी हम उसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ही लगाएंगे बच्चों, एस नहीं लगाएंगे। जैसे द बुक ऑफ द टीचर, हमने यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी और एस लगाया। अब अगर हम बात कर रहे हैं द बुक ऑफ द टीचर्स, सो ऑलरेडी टीचर्स लिखा हुआ है, सिर्फ हम एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, उसके बाद एस नहीं लगाएंगे। सो द टीचर्स एपोस्ट्रॉफी बुक्स, ठीक है। To make a regular plural noun possessive, just add an apostrophe. जो regular plural noun होते हैं, जो s से end होते हैं, उनमें हम सिर्फ apostrophe sign लगाएंगे, s नहीं लिखेंगे, because already उसमें s है। जैसे the book of the teachers, so the teachers, simple apostrophe mark or books. और जो irregular plural noun होंगे, जिनमें s नहीं है end में, वहाँ पर हम एपोस्ट्रॉफी एंड एस लगाएंगे, जैसे हमने सिंगुलर नाउन पजेसिव में किया था। ओके, सो ये रूल्स हैं। सिंगुलर में हम लगाएंगे एपोस्ट्रॉफी और एस, रेगुलर प्लूरल नाउन में हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी साइन लगाएंगे, और इररेगुलर प्लूरल नाउन में भी हम सिंगुलर की तरह ही करेंगे, वी विल ऐड एपोस्ट्रॉफी साइन एंड एस। ओके, डू नॉट नीड टू यूज एन एपोस्ट्रॉफी अनलेस समथिंग बिलोंग्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जब तक कोई किसी चीज़ को बिलोंग ना करती हो, हमें ज़रूरत नहीं है उस पर एपोस्ट्रॉफी साइन लगाने की। अ पजेसिव नाउन शोज ओनरशिप। एक पजेसिव नाउन क्या शो करता है? ओनरशिप, कि इस चीज़ पे हमारा राइट है, ये हमसे बिलोंग करती है। सो लेट्स गो अहेड नाउ। सो Tell whether each underlined possessive noun is singular or plural. हमें सिर्फ ये बताना है कि ये singular है या plural. That milkman's cow is stolen. अब milkman है, right? So this is singular. Second is my uncle's house need to be fixed. Uncle, okay? Singular है, so this is also singular. The horses, horses, और उसके बाद सिर्फ apostrophe mark है, riders were dressed in red, so this is plural, because horses लिखा हुआ है। The artists, बहुत सारे artists हैं, so this is also plural, okay? Can you see the lion's paws? Lion, एक की बात हो रही है, so this is also singular, right? The teacher's copy machine never works. Teachers, बहुत सारे teachers की copy machine है, so this is also plural. The deer's horns are long. अब deer singular में भी deer ही रहता है और plural में भी deer ही रहता है, लेकिन
हमारा लिखने का तरीका हमें बता रहा है कि ये किसकी बात हो रही है, एक डियर की बात हो रही है बिकॉज एपोस्ट्रॉफी और उसके बाद लिखा हुआ है एस, सो दिस इज सिंगुलर. द वुमेन्स यूनिफॉर्म्स आर क्लीन्ड. वुमेन एम ई एन आ रहा है, सो दिस इज प्लूरल. ओके, द चिल्ड्रंस मदर आर हैप्पी. चिल्ड्रन प्लूरल है ही, सो दिस इज प्लूरल. द फिशर मेन्स, मेन्स आ गया तो ये है प्लूरल, दिस इज ऑल्सो प्लूरल. सो इस एक्सरसाइज में हमने सिर्फ यही बताना है कि ये प्लूरल है या सिंगुलर. सो वी गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. Rewrite the sentences by using appropriate possessive noun. अब हमें rewrite करना है इनको. There is one pig, its tail is curly. So हमें लिखना है number one, pig's tail. क्योंकि tail किसकी है? Pig की है. So हमें belongingness show करनी है. Pig's tail is curly, right? Second is, there are two bears, their fur keeps them warm. So bears दो हैं, plural. अब हम सिर्फ इस पे apostrophe लगाएंगे, s नहीं लिखेंगे. Bears fur keep them warm. Okay? There is one shark, its teeth are sharp. एक शार्क की बात हो रही है, so the shark's teeth are sharp, right? I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा singular को हम किस तरीके से बना रहे हैं और प्लूरल को हम किस तरीके से पजेसिवनेस शो कर रहे हैं. देयर आर सिक्स लिजर्ड्स, देयर टेल्स हैव स्ट्राइप्स. सो सिक्स लिजर्ड्स, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी आएगा. सिक्स लिजर्ड्स टेल्स हैव stripes, right? There is one giraffe, its baby is called a calf. The giraffe's baby is called a calf, right? There are two spiders, their webs catch insects. So, spiders, यहाँ पर हमने इसको प्लूरल लिख दिया, कॉमा, webs catch insects, okay? So, मैंने आपको यहाँ पर जितना स्पेस था उसमें लिख के दिखाया है. Now, you will copy it in your notebook. We learned that the apostrophe, हमने क्या सीखा बच्चों, कि जो apostrophe है is used to show possession or belonging. When the noun is singular, हम कैसे लिखते हैं? An apostrophe and an s to the noun to show possession or belonging. Noun की possession or belonging show करने के लिए. So singular के लिए हम कैसे लिखते हैं? अब आपको पता है. Plural के लिए हम सिर्फ apostrophe sign लगाते हैं और जो irregular plural nouns होते हैं उनके लिए हम वैसे ही लिखते हैं जैसे हम singular noun के लिए पोजेशन शो करते हैं एपोस्ट्रॉफी और एस लगाकर. पुट एपोस्ट्रॉफी एंड एस करेक्टली इन द सेंटेंस, देन रीराइट देम इन योर नोटबुक. सो रमन पेन इज स्टोलन. अब हम इसे कैसे लिखेंगे? रमन्स पेन इज स्टोलन. ओके, My dog name is Tiger. My dog's name is Tiger.
दिस इज माई अंकल हाउस, दिस इज माई अंकल्स हाउस. आई लाइक द लीडर्स स्पीच. रहीम फोन इज रिंगिंग, रहीम का फोन, रहीम्स फोन इज रिंगिंग. रति हेयर इज द लॉन्गेस्ट इन द क्लास, रतीज हेयर इज द लॉन्गेस्ट इन द क्लास. सो इस तरह से हम यहाँ पर पोजिशन शो कर रहे हैं एपोस्ट्रॉफी एस लगा के, राइट. सो दिस इज द इफेक्टिव वे टू शो कि ये चीज इसकी है, बिलोंगिंगनेस शो कर रहे हैं. ओके, मोस्ट प्लूरल नाउन एंड विथ एस, एस से एंड होते हैं. सो वी जस्ट ऐड एन एपोस्ट्रॉफी, हम सिर्फ क्या ऐड कर देते हैं, एक एपोस्ट्रॉफी आफ्टर द एस टू शो पोजिशन और बिलोंगिंग. This indicates that many people or animal owns or possess something. जैसे कि हमने बात करी sheep's fur, okay? So इस तरह से हम plural के लिए possession show करते हैं. चलिए आगे चलते हैं. Color the correct box blue and incorrect box red. So the child's book. अब child एक बच्चे की बात हो रही है, सिंगुलर है, और उसका यही तरीका है कि इसको एपोस्ट्रॉफी और एस लिखा जाए, तो ये करेक्ट है. सो हम इसे किससे कलर करने वाले हैं, हम इसको ब्लू से कलर करेंगे. ओके, सो माय टीचर, दो एपोस्ट्रॉफी क्यों है, सो दिस इज रॉन्ग. सो हम इसे कलर करेंगे रेड से. माय सिस्टर्स मूवी, अब सिस्टर, एक सिस्टर की बात हो रही है, यस, और सिंगुलर में हम लगाते हैं एपोस्ट्रॉफी और एस, सो दिस इज करेक्ट, और हम इसे ब्लू से कलर करेंगे. माय मॉम्स ज्वेलरी, दिस इज आल्सो करेक्ट, वी विल कलर इट फ्रॉम ब्लू बिकॉज मॉम, मॉम एक ही है, और उसके लिए हम एपोस्ट्रॉफी और एस लगाएंगे. द ट्रीज ब्रांचेस, अब ट्रीज बहुत सारे हैं, प्लूरल है, प्लूरल के बाद सिर्फ एपोस्ट्रॉफी मार्क आता है, सो दिस इज करेक्ट, ये भी ब्लू से कलर होगा. द डॉग्स, द डॉग, यहाँ पर डबल एस है, दिस इज रॉन्ग, ये होगा आर से, राइट. माइज डैड मुस्टैच, माइज डैड नहीं, माई डैड्स मुस्टैच, सो दिस इज रॉन्ग, और ये आर से कलर करेंगे आप रेड से. माई ब्रदर, ब्रदर ब्रॉदी, ये स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है, ये एपोस्ट्रॉफी यहाँ आना चाहिए था. माई ब्रदर्स ब्लैंकेट, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, you will color it with red. The cat's food, this is right, and ye hoga blue se color because cat singular noun ki baat ho rahi hai, so apostrophe aur s aayega, right. The cat's food, so yahan par kya aayega, apostrophe aur s, so this is right and you will color it with blue. So I hope that possessive noun are clear to you. आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि पजेसिव नाउन क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे शो करते हैं, सिंगुलर को कैसे शो करते हैं और प्लूरल को हम कैसे शो करते हैं. सो लेट्स गो अहेड. सो चिल्ड्रन, वी हैव लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल टॉपिक हियर, टेकिंग मैसेजेस फ्रॉम योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज. सो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि मैसेजेस को कैसे लिया और दिया जाता है, राइट. वर्क इन पेयर्स, आपको पेयर में वर्क करना है और प्रैक्टिस करनी है टॉकिंग ओवर द फोन, फोन पे बात करने की, एंड टॉकिंग डाउन, टेकिंग डाउन शॉर्ट मैसेजेस और शॉर्ट मैसेज लेने की. यू कैन यूज़ द डायलॉग्स गिवन बिलो. अब यहाँ बात चल रही है लिली और एम्मा के बीच में. सो लिली पिक द फोन, हेलो एम्मा, हेलो लिली, दिस इज एम्मा. लिली, हाय एम्मा, व्हाट्सअप. सो एम्मा, आई एम हैविंग अ पूल पार्टी दिस वीकेंड, मैं पूल पार्टी कर रही हूँ इस वीक के एंड पर, कैन यू कम, क्या तुम आ सकती हो. लिली, व्हाट डे इज योर पार्टी. एम्मा, इट इज ऑन सैटरडे. लिली फिर पूछती है एट व्हाट टाइम, भाई टाइम क्या है. एम्मा, इट विल स्टार्ट एट 12 PM, ये 12 बजे शुरू हो जाएगी. सो लिली, ओके, आई विल ट्राई टू कम. एम्मा, साउंड्स गुड, आई होप टू सी यू ऑन सैटरडे, बाय. लिली, टेक केयर, बाय. तो एक मैसेज दिया एम्मा ने लिली को कि वो पूल पार्टी कर रही है वीकेंड पर, सैटरडे 12 बजे उसकी पार्टी स्टार्ट हो जाएगी,
और इस तरह से उसका मैसेज लिली को मिला एंड लिली टोल्ड दैट शी विल ट्राई टू कम. सो इसमें आगे यहाँ पर आपको एक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दिया हुआ है. इस कन्वर्सेशन के बारे में आपको आंसर देना है. सो व्हाट इज एम्मा हैविंग दिस वीकेंड, क्या कर रही है एम्मा इस वीकेंड? यस, सो द आंसर इज पूल पार्टी, राइट? Emma is having pool party this weekend. आप पूरा भी लिख सकते हैं, ओके? जैसे कि Emma is having pool party this weekend. Which day is the pool party? So the pool party is on Saturday. Okay, what time does the party start? The party starts at 12 PM, राइट? या फिर हम इसको सिंपल लिख सकते हैं 12 PM. What message does the person want to convey? So the person wants to invite for the pool party, right? So इस तरह से हमें ये मैसेज पढ़ के इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है, ओके? सो दिस इज द वे कि हम किसी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, हम उन्हें मैसेज दे सकते हैं, राइट? सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.